देखिए पहले जो पनीर वाला सैंडविच बना है पहले उसको मैं, चाहे तो आप कैसा भी काटिए, मैं पहले इस तरह से इसको, आवाज़ देखिए कितना अच्छा रहा हमारा पनीर वाला सैंडविच, देखिए देखने में लग रहा है ना भैया हमें, तो सैंडविच ये हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हमारा न्यू ब्लॉग डेली ब्लॉग्स विद अरिमा। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए आज मैं क्या बना रही हूँ वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले लाइट ऑन करते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ सैंडविच। तो सैंडविच के लिए मैंने आज दो टाइप का सैंडविच बना रही हूँ और बहुत ईजी है, ज़रूरी नहीं है टोस्टर चाहिए, आराम से तवा पे भी हो जाएगा। तो इधर मैंने ब्रेड के थोड़े थोड़े साइड का मैंने वो लाल लाल हिस्सा काट लिया, इधर पनीर रखा हुआ है, इधर बॉईल किया हुआ आलू है, मैंने जस्ट नमक डाल के रखा है, इसको अभी मैश करना है, और इधर गाजर घिस के रखा, टमाटर, धनिया पत्ता, कुकुम्बर या काकड़ी, थोड़ा सा चाट मसाला, और जो भी सामान जैसे जैसे ऐड करेंगे वैसे ऐसे आप लोगों को दिखाते जाएंगे। सबसे पहले मैं गैस पे ब्रेड को थोड़ा सा सेकने के लिए रख दूँगी, एक एक साइड थोड़ा थोड़ा सेकने के लिए। देखिए ब्रेड को मैंने सेकने के लिए रखा है, इस तरह से एक साइड लाल हो गया, ये भी लाल हो गया, तो इसको अच्छे से ये हो गया। अभी मैं इसमें जो मसाला जो सब्ज़ी ऐड करेंगे वो मैं रेडी कर लेती हूँ। पनीर है, पनीर जैसा हाथ से ही मैंने मैश किया तो ये अच्छे से टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, और आलू को भी मैंने इधर मैश करके रखा है, तो इसको पहले तो पनीर को इस तरह से मैश किया हुआ है वो कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी आलू ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, क्योंकि पनीर का सैंडविच बना रही हूँ तो आलू थोड़ा सा डाल रही हूँ, तो इसके साथ ये अच्छे से मैश करें, क्योंकि ये चम्मच से हो तो आप चम्मच से कीजिए, कोई इशू नहीं है, पर मैं हाथ से ही कर रही हूँ। कलर देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो इसमें जो इधर चाट मसाला रखा है, सबसे पहले मैं थोड़ी सी चाट मसाला ऐड कर दूँगी, और इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, जैसा कि काली मिर्च का पाउडर या ब्लैक पेपर जो भी बोलो, ये थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच जैसा, और इसमें ऐड करेंगे, मैंने नमक ऐड नहीं किया तो मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, काला नमक। तो चाट मसाला डाला उसमें भी नमक है, वही सबसे मैं थोड़ा काला नमक ऐड कर रही हूँ इसमें। ये एकदम रेडी हो गया, अभी इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हरा धनिया, बस मसाला सब कुछ हो गया, ब्रेड भी हो गया, अभी ये बराबर हो गया है। सबसे पहले जो ब्रेड मैंने सेकने के लिए रखा था ये लाल हो गया, तो इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। इस तरह से आप लोग ब्रेड सैंडविच बनाएंगे ना, ये कभी भी ना अंदर से जो गीला गीला टाइप होता है ना वो नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले मैं थोड़ी सी मेयोनीज लगा लूँगी, एकदम थोड़ा सा, एक ही ब्रेड में थोड़ी थोड़ी सी मेयोनीज मैं पहले लगा लूँगी। देखिए ब्रेड का आवाज़ आ रहा है इस तरह से, आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं, पर बटर मैं अभी नहीं लगाऊंगी, मैं बाद में लगाऊंगी, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा ये मैंने लगा दिया। अभी इसमें सैंडविच का सब्ज़ी आपको जैसा चाहिए, ज़्यादा चाहिए कम चाहिए आप वही सब से डालिए। अभी ये हो गया, लाल जो साइड है ना उसको मैंने अंदर साइड से रखा है, और इसको अच्छे से बंद कर लिया, अभी इसको गैस पे रख देंगे। मैं अभी इसमें बटर ऐड करूँगा, आपको जो कंफर्टेबल लगे, आप जो चीज़ खाते हैं आपके बच्चे आप वो हिसाब से कीजिए। दोनों साइड से मैंने इस तरह से बटर लगा के इसको सेक लूँगी, इस साइड लगा के इसको नीचे साइड कर दिया, ये साइड में और थोड़ा सा लगा, क्योंकि मैं इस तरह से लगे तो ये पिघलने के बाद अच्छे से मिक्स हो जाएगा दोनों तरफ से। देखिए सैंडविच हमारा एकदम लाल हो गया, एकदम क्रिस्पी हो गया, इसको काटते टाइम आप लोगों को दिखाएंगे, तो इसको मैं निकाल लूँगी, और दूसरी जो सैंडविच है वो मैं, दूसरा जो सैंडविच बना रही हूँ वो मैं पहले इसको ब्रेड को गर्म, सेम प्रोसेस पे इसको भी ऐसे ही ब्रेड को सेक लेंगे हल्का सा।
काकड़ी, टमाटर और हरा धनिया ऐड किया मैंने, और थोड़ी सी मेयोनीज मिक्स किया। इसमें और कुछ भी नहीं डालेंगे, इसमें सिर्फ डालेंगे थोड़ी सी ब्लैक पेपर। आपके बच्चे जिस तरह का तीखा खाते हैं आप उस हिसाब से डालिए। और इसमें ऐड करेंगे ब्लैक सॉल्ट या काला नमक जो भी है। ये हो गया, अभी इसको मिक्स कर देंगे। ये हो गया रेडी दूसरा सैंडविच के लिए, मेयोनीज वाला सैंडविच। इसमें ये जो हमने मेयोनीज और कुकुम्बर रेडी करके रखा, ये मैं इसी में आप लोगों को डाल के दिखा रही हूँ। अभी ये इसमें अच्छे से फैला देंगे। ये बहुत ईजी है, ऐसा नहीं टोस्टर की ज़रूरत है। मैं टोस्टर में नहीं बना रही हूँ, आज आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। ये अच्छे से ब्रेड हो गया, जो लाल हुआ है ये साइड अंदर करेंगे। इसमें मैं पहले थोड़ा सा बटर लगा लेती हूँ। आपको जैसा चाहिए कम ज़्यादा आपके हिसाब से आप ऐड कीजिए। मैं बहुत कम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा चाहिए नहीं, इसीलिए आप जैसे कंफर्टेबल हो अपने हिसाब से कीजिए। ये जब तक ब्रेड में आवाज़ कैसा आ रही है देखिए, ये हमारा रेडी हो गया। दूसरे साइड को भी पलटी कर दे। तब तक मैं प्लेट रेडी कर लेती हूँ, ये जब तक लाल हो रहा है फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दोनों। पहले जो पनीर वाला सैंडविच बना है पहले उसको मैं, चाहे तो आप कैसा भी काटिए, मैं पहले इस तरह से इसको, आवाज़ देखिए कितना अच्छा रहा हमारा पनीर वाला सैंडविच। देखिए देखने में लग रहा है ना भैया, हमें तो सैंडविच ये हो गया। दूसरा वाला सैंडविच भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये हमारा मेयोनीज वाला सैंडविच, ये भी रेडी हो गया, इसको भी काट लेंगे। तो ये हो गया, गैस को ऑफ कर देंगे, इसको निकाल लेते हैं, फिर इसको भी काट लेते हैं। ये वाला भी सैंडविच हमारा रेडी है। ब्रेड इतनी क्रिस्मी है ना, टूट रहा है देखिए। इसको भी प्लेट में डाल के मैं रेडी कर लेती हूँ। सैंडविच रेडी हो गया, तो आप लोग देख ही रहे, देखने में इतना अच्छा लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है। तो आप लोगों को कैसा लगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों का कैसा लगा। तो मैंने आज दो टाइप का सैंडविच बनाया, ये देखिए, ये है मेयोनीज वाली, दूसरी वाली है पनीर वाली। आप लोगों को दिख ही रहा है, ये देखने में जितना अच्छा है खाने में उतना ही टेस्टी है। तो आप लोग खा के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो आज के लिए बाय, फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ। गुड नाइट।